भगवान श्री कृष्ण की जो विशेषता है श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, अन्य पुराणों में बहुत विस्तार से दी गई विशेषताएं। किसी व्यक्ति को भगवान कृष्ण पर विचार करना चाहिए और विचार करने की शक्ति न हो तो तत्वज्ञ पुरुषों से सुनना चाहिए श्रद्धा के साथ, तब कृष्ण समझ में आते हैं। और जब ठीक से समझ में आ जाए सारी बात तब बोलना चाहिए। आजकल बोलने वाले बहुत बढ़ गए, बहुत बोलते हैं, वास्तव में तत्वज्ञ बन करके बोलना चाहिए, ठीक से बोलना चाहिए। नीम हकीम खतरे जान, आधा ज्ञान हमेशा भयदायक होता है, ठीक से जानकारी होनी चाहिए। ये भगवान कृष्ण के विषय में विचार किया जा रहा है, क्या विशेषता है कि जिनको देख करके मरने वाला, जिनका स्मरण करके मरने वाला, जिनका नाम उच्चारण करके मरने वाला व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है। तो अद्भुत है कृष्ण, उनका दर्शन, उनका शब्द, उनका स्पर्श, उनका चिंतन जीव को मुक्त करने वाला है। ऐसे श्री कृष्ण में हमारी प्रीति, हम वैष्णवों को इन शास्त्रों का बहुत भारी आश्रय है, भरोसा है। ऐसा नहीं है कि अगर श्री कृष्ण को वैष्णव लोग ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो दूसरा व्यक्ति किसी को ही मान लो बस। कुछ लोग ऐसे प्रचार करते हैं बस किसी को ही मान लो, सभी रास्ता एक ही जगह जाएंगे, किसी गाड़ी में रिजर्वेशन ले लो सब एक ही जगह जाएंगे। कोई जाए टिकट लेने के लिए टिकट खिड़की पर, कहाँ जाना है, किस गाड़ी से जाना है, किसी भी गाड़ी से दे दो, सभी गाड़ियां तो एक ही जगह जाती है। कितनी बड़ी मूर्खता होगी। कुछ भी जप करो, कोई भी मंत्र बोलो, किसी की भी पूजा करो, एक ही जगह जाओगे, ये पागल का उद्गार है। पागल व्यक्ति ऐसा बोल सकते, मरने पर सब एक ही जगह जाते हैं, एक ही जगह कैसे जाएंगे? हम लोग कथा के बाद जाएंगे तो सब एक ही जगह चले जाएंगे, अलग अलग जगह पर जाएंगे। नहीं, कोई कहे बस सब निकलेंगे द्वार से और एक ही जगह चलेंगे। इतने बेवकूफ लोग हैं, इन बातों को सोच सुन करके मान लेते हैं। कोई प्रवचन करता है, कह देता है बस क्या भेद है, किसी को भी मानो सब एक ही है। इसको आज की बेवकूफ जनता मान लेती है, थोड़ा भी विचार नहीं करती ये बोल रहा है, कितना फालतू बोल रहा है। और ऊपर से ईश्वर तो निराकार है, ये है, कहां से पढ़कर आ गया कि निराकार, निराकार को कहां से देखा, कैसे पता चला कि निराकार। भगवान के अंगों का वर्णन है, हाथ में चक्र लेकर के दौड़ रहे हैं, चाबुक है दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में रस्सी है, वाणी से बोल रहे हैं, ये निराकार कहां से आ गया? अब सोचने की बात है, केवल फालतू कुराफात है। वास्तव में जिसको कोई ज्ञान नहीं है वही ये सब बातें बोलते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि भगवान के आकार है, भगवान का आकार है, भगवान का नाम है, भगवान की लीला है, कर्म है, भगवान के संबंधी हैं, भाई भी हैं, माई भी है, पिताजी हैं, है कि नहीं? अभी हम बच्चे से पूछे एक दिन, एक और एक दिन पूछ रहे थे, बूढ़ी माता जी आई थी जमुनानगर से कि ओ भगवान की माँ का क्या नाम, तो कहते ओ जसोदा जी देवकी जी, हाँ ठीक है देवकी ने जन्म दिया, लेकिन भगवान को किसी और माता ने पोषा था ना, हाँ एक थी जसोदा। ये श्रद्धा है, सहज ज्ञान है। वास्तव में बच्चों से पूछा जाता है भगवान कृष्ण के भाई का क्या नाम है, बलराम जी, भगवान के पिताजी का क्या नाम है, वसुदेव जी,
और तथा कथित महामूर्खों से पूछा जाए पढ़े लिखे लोगों से भगवान के पिताजी का क्या नाम, नहीं भगवान का पिता कौन हो सकता है, भगवान तो सबके पिता है। बस हो गया ज्ञान, भगवान सबके पिता है। और ज्यादा बहस कीजिए तो कहेंगे भगवान का कोई पिता नहीं है, ना नाम है, ना रूप है, ना लीला है, बस निराकार। जैसे किसी से पूछिए कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्या नाम है, क्या पोशाक पहनते हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं, निराकार, निराकार है। जब ज्ञान नहीं है कुछ भी तो निराकार बोलने में क्या हर्ज है, कुछ ज्ञान नहीं है तो निराकार बोलकर काम चला लिया, कुछ नहीं है। अगर साकार कहेंगे तो वर्णन करना पड़ेगा कि चश्मा पहनते हैं कि क्या करते हैं, कि पैंट पहनते हैं कि धोती पहनते हैं, कुछ कहना पड़ेगा ना। निराकार कह दिए तो महाज्ञानी, कुछ नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं ईश्वर के बारे में ज्यादा बहस के लिए कहते, ईश्वर है ही नहीं भाई, ये फालतू बात। वो कहते ईश्वर निराकार है और कुछ देर के बाद कहते वो है ही नहीं। वही व्यक्ति जो बहस करता है वही कहते नहीं नहीं ये सब झमेला है, तो कुछ है नहीं, ये तमाशा चलता है। इसीलिए भागवत पढ़ना चाहिए, इसमें स्पष्ट ज्ञान है, ठीक ठीक भगवान का बोध है और भगवान से प्यार किया गया है। किस व्यक्ति ने किस तरह भगवान से प्रेम किया ये बताया गया है। भगवान अपने भक्त का रथ भी हाँके हैं, रथ चला रहे, घोड़ों को साल